Congress President Mallikarjun Kharge, who was feeling unwell, returned to the stage to address the crowd. He took that opportunity to launch a sharp attack at Prime Minister Modi, stating that he is determined to stay healthy and active in politics until Modi is ousted from power. Prime Minister Modi spoke to Congress President Mallikarjun Kharge and inquired about his health yesterday. In response, Home Minister Amit Shah condemned Kharge's comments. Home Minister Amit Shah saying that such remarks reflect poorly on the Congress, showing the Congress's hatred towards the Prime Minister, calling the comment distasteful, disgraceful. While taking a dig, he wished Kharge a long life, expressing that he would witness the creation of Viksit Bharat by 2047. Statehood ka to main bola hu, statehood zarur karenge aur uske liye hum zarur marenge. चाहे कुछ भी हो मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं. अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं. जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा. हमारे गृह मंत्री कहते हैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बिना मतलब के बातें करते रहते हैं वो. तो अगर वो कुछ गंभीर बातें बोले उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूं, उस पर मैं कुछ कह सकता हूं. पर ऐसे बोलना, और मैं समझता हूं जो खरगे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं. हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए. आज तक हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं. सत्ता से यह बात तो उनके दिल से निकली हुई है. जो बात दिल से निकली है वो सही होगी. हम सब लोग मिल करके जो मनोकामना है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा करेंगे. मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी है, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचे गए और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा. खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं. खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर बास करते रहेंगे. कोई जिंदा रहे कोई मर जाए इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है. कांग्रेस गोस एनी लेवल दिस इट सीम्स, बट आई कैन टेल दिस, इफ मल्लिकार्जुन खड़गे हिज एज माइट बी 150 आर 125, इट विल नेवर हैपन. व्हाट ही इज सोचिंग द पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी विल बी द पीएम, आवर प्राइम मिनिस्टर विल बी द 2047 while we are in the Viksit Bharat, our PM will be the PM. With regard to Kharge ji's desire to say that I'm going to live as long as I can so that I evict Prime Minister Modi ji from the position of Prime Minister, that is for the people of India to decide. The people of India have already blessed Modi ji to serve the country in 2014, in 2019, now in 2024. So Kharge ji is entitled to have a political agenda. I don't think we should mix the two issues and politicize it. मल्लिकार्जुन जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं. भगवान करे उनकी उम्र अभी 80 साल की है, उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा की हो, कि मोदी तो तब तक हटेंगे नहीं. तो इसी बहाने मोदी के बहाने उनकी उम्र लंबी हो जाए तो इसमें हमें क्या नुकसान है. हम तो चाहेंगे कि उनकी उम्र लंबी हो. मुझे दुख इस बात का है कि खड़गे जी अब ये मानते हैं कि अभी 10-20 साल मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हटने वाले. इसलिए वो कह रहे हैं कि जब तक, तो ये जब तक का सपना पालना खड़गे जी छोड़ दें. हम तो यही कामना करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो और वो ताज जिंदगी इसी तरह इसी सोच के साथ अपनी जिंदगी और जिने और जिए और जिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री की शपथ में हर बार आते रहें. हम उनकी सेहत की भी कामना करते हैं और उनकी अच्छी आयु की कामना करते हैं. ये आदरणीय खड़गे जी का आत्मविश्वास है, ये जो इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, जो उनमें काम करने की अभी भी क्षमता है, ऊर्जा है, ये उनके वक्तव्य से दिख रहा है. तबीयत तो खराब किसी का भी हो सकता है. ही इज फार बियॉन्ड
being in any sort of active politics or profession or vocation or business or anything. He should just retire, plain and simple. Joe Biden was forced out. I mean, he was reluctant and he absolutely wanted to contest for another and become the president of the U.S. for another 4 years, but he was forced out. Somebody should do the same to Mr. Mallikarjun Kharge because he really needs to go. अब नहीं बोलेंगे, अब चुनाव खत्म, वोट पड़ गया, अब सब लौट गए। ये नेताओं के चुनावी जुमले हैं, वोट लेने के तरीके हैं और कुछ नहीं है।